सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे एक सेल के बने होते हैं वो, तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जैसे अमीबा, ईस्ट, पार्म, बैक्टीरिया। अब जो बहुत सारे सेल्स के बने रहेंगे उनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहेंगे, जैसे मैंगो प्लांट, रोज प्लांट, पी प्लांट, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं, और सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है। देखो ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल रहेंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन रहेंगे, और उनके अंदर न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं सारे फंक्शन सेल के, और ये मेन बॉडी होते हैं सेल के जो कि साइटोप्लाज्म बनाते हैं, जो उसकी मेन बॉडी जो है सेल का वो साइटोप्लाज्म बनाएगा। ये मेन बॉडी जो होता है सेल का, वो बॉडी जो होता है सेल का वो साइटोप्लाज्म रहता है, और जो उसको कंट्रोल करके रखते हैं ये साइटोप्लाज्म, और जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं वो न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है, वही बात कर रहे हैं। फिर अब देखो यही चीज जो है एनिमल्स और प्लांट के अंदर डिफर करते हैं, यही चीज। द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय थिन सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी रहेगा और सेल वॉल भी रहेगा, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो होता है सेल वॉल एब्सेंट रहता है, ठीक है। और प्लांट के पास क्लोरोफिल रहता है और एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं रहता, और इसी क्लोरोफिल की वजह से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रेजेंट मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं, कौन? प्लांट्स। अब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एनिमल्स जैसे एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन इज अ कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरमेंट। एडेप्टेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी रहते हैं अपने आप को सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं अपने एनवायरमेंट में, उस प्रोसेस को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। इन द कंडीशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एनवायरमेंट में, उस प्रोसेस को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे एक डॉग एडेप्ट करता है वार्म वेदर में बाय शेडिंग इट्स हेयर, अपने हेयर को शेड करके वो अपने आप को वार्म वेदर में क्या करता है, एडेप्ट करता है, ठीक है। और देखो वी नो डेट बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। बर्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स रहते हैं जो कि फीडिंग प्रोसेस में करते हैं। ए हॉक के अंदर शार्प हुक रहता है, वो करता है अलग टाइप का टियरिंग प्रोसेस। लॉन्ग पॉइंटेड बीक रहते हैं उड़पर के अंदर, वो अपने तरफ से अपने आप को अडेप्ट करने के लिए करते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं ट्रीज को, ट्री को ही क्या करते हैं, खोद देते हैं और उसके अंदर रहते हैं। बर्ड्स अपना एक कहीं अपना छोटा सा हॉलो मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि उनके अंदर रह सके, और फिर विच हेल्प्स देम टू फ्लाई, उड़ने में मदद करता है, ठीक है। बर्ड्स के पास एक हॉलो बोन्स, मतलब हाँ बर्ड्स हैव लाइट हॉलो बोन्स, मतलब बर्ड्स के अंदर बोन कैसा रहेगा, खोखला रहेगा, हॉलो रहेगा, अंदर कुछ रहता नहीं है उसके अंदर, समझे, तो वो हॉलो बोन्स रहता, इसी वजह से वो उड़ते हैं। और हम लोग के अंदर अंदर हड्डी के अंदर वो हॉलो बोन्स नहीं रहता जिसकी वजह से हम लोग उड़ नहीं पाते हैं। ए डॉग एडेप्ट करते हैं, वही बता दिए तुम लोग को। एडेप्टेशन जो होता है इन्वायरमेंट को चेंज करने, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे इंसेक्ट्स, मलेरिया, मॉस्किटोज, किसके रेजिस्टेंस हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, कितना भी इंसेक्टिसाइड डालते हैं मच्छर मरता ही नहीं है, अपने आप को क्या एडेप्ट कर लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा एबिलिटी नहीं है, वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाते। मॉडर्न हॉर्स जितने भी हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर लिए हैं, वो क्या करते हैं, इवॉल्व फ्रॉम शॉर्टर प्रिमिटिव हॉर्स, अपने आप को इवॉल्व किए हैं, अपने आप को पूरी तरह से एडेप्ट किए हैं। मेन जो है वो अपने आप को प्रिमिटिव, पहले मनुष्य कैसा दिखता था, बंदर की तरह, अब वो अपने आप को एप से कैसे आए मेन पे आए, वो भी अपने आप को क्या किए, इवॉल्व किए हैं, एडेप्ट किए हैं एनवायरमेंट से, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही काइंड के, अपने ही प्रकार के प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन जो पार्ट्स और मेनी अदर एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और ये अंडे कहाँ से निकलेंगे, एग से निकलेंगे, सॉरी ये यंग वंस कहाँ निकलते हैं, अंडे से निकलते हैं, और ये अंडे जो होते हैं टूटते हैं, टूटने के बाद ये किस में रिलीज होते हैं, यंग वंस में, ठीक है, वही बात है। ये मदर कैट गिव्स बर्थ टू ए किटन, मदर कैट जो होगी वो किटन देगी, काव क्या देगा, काफ देगा, और सिफ क्या देगा, लैम देगा। और इसी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विथ टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स जब इन्वॉल्व होंगे उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो इंडिविजुअल आ रहे हैं, मतलब दो आदमी आ रहे हैं,
एक मेल और एक फीमेल, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे, और जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सम ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अब जैसे एक ये अमीबा है, ये दो भाग में टूट रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।